हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल जीरो लेवल से। अब ग्रामर लगेगी बिल्कुल आसान, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान इसकी है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आइए इसको स्ट्रक्चर या उसके माध्यम से रूल के हिसाब से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, ही सी इट एनी नेम के साथ क्या लगाते हैं, हैज। प्रीवियस सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से बेहतर ढंग से समझते हैं। फार्मूला पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। आई हैव लर्नड माई लेसन। आई के साथ अपने दिमाग माई लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी लर्न की। सेकंड है, सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। सीता हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। थर्ड नंबर है, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। You have played football, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा नंबर है, तुम्हारे पिताजी ने रामायण पढ़ लिए। Your father, यहाँ सब्जेक्ट है, has read the रामायण। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करेंगे तो read को read पढ़ा जाएगा, read। आइए इसे आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, इसमें हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। फार्मूला इसका है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तुम मेला नहीं गए हो, नेगेटिव सेंटेंस है तो तुम के लिए यू लगाएंगे, प्लूरल है तो इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यू हैव नॉट गॉन टू फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला। जाना कि यू गो, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी गोवेंट गॉन। यू हैव नॉट गॉन टू फेयर। नेक्स्ट है, राम अपने घर नहीं जा चुका है। राम सिंगुलर है तो इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। राम हैज नॉट गॉन टू हीज होम, राम अपने घर नहीं जा चुका है। थर्ड नंबर है, श्याम का भाई शतरंज नहीं खेला है। तो इसमें श्याम का भाई, श्याम्स ब्रदर, इसमें पॉस्ट ऑफ यस का प्रयोग करेंगे। श्याम्स ब्रदर हैज नॉट प्लेड चेस, चेस में होता है शतरंज। नेक्स्ट है, उसने चाय नहीं बनाई है। तो सिंगुलर है तो इसमें ही के साथ हैज लगाएंगे। ही हैज नॉट मेड टी, मेक का मेड हो जाएगा, उसने चाय नहीं बनाई है। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट नंबर है, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होने पर पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। नंबर दो है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब लगते हैं यानी व्हाट वेयर लगाएंगे, प्लस हैज या हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नोट ये है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ये सभी सेंटेंसों में। आइए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से बेहतर ढंग से समझते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल, क्या उसने रामायण पढ़ ली है, हैज सी रेड द रामायण। तो इसमें रेड लगा हुआ क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड, स्पेलिंग वही रहेगी। प्रश्नवाचक शुरू में तो इस पर पहले हैज लगा हुआ है। सेकंड है, क्या मैंने तुम्हें एक कलम नहीं दी है, तो सबसे पहले हैव लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हैव आई, प्लूरल है जिसके साथ हैव लगा हुआ है। हैव आई गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन यू नॉट अ पेन। नेक्स्ट है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो, तो प्रश्नवाचक सब बीच में तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो वाई हैव यू नॉट गॉन देयर, गोविंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, यू के बाद नॉट। नेक्स्ट है,
क्या वे एक पत्र नहीं लिख चुके हैं? हैव दे नॉट रिटन अ लेटर? इसमें हैव लगेगा पहले, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में है। हैव दे नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है, तुमने हॉकी क्यों नहीं खेला? तो इसमें प्रश्न से बीच में सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वाई हैव यू नॉट प्लेड हॉकी?